और ये जो स्टिक अप दादी के हाथ में देख रहे हैं, ये दादी को आज दिया गया है, पूरी हम लोग आके इनको दिए हैं, और हम लोग के द्वारा एक प्रयास है कि एक जिंदगी में बदलाव लाने के। और हमारे रॉबिन्स दादी जी को चला के देख रहे हैं कि इनसे इनको, मतलब कहते हैं ना कि जिंदगी में बदलाव, तो बदलाव की अगर देखे तो दादी पहले उधर एक खाट रखा हुआ था, उधर बैठती थी, और आप देखिए स्टिक पा करके इतना जरूर कहा जा सकता है कि नमस्कार दोस्तों, रिटर्न सरप्राइज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बहुत एक्साइटेड और बहुत प्राउड फील करने वाला हूँ, और आप भी जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको भी प्राउड और एक्साइटमेंट का लेवल बहुत हाई होने वाला है। तो मैं आपको आज के वीडियो के बारे में बता दूं, आज के ब्लॉग के बारे में बता दूं, हम मिशन 75 मना रहे हैं। मिशन 75 के बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप आरएचए के मिशन 75 को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें हम 75 लाख लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड 75 ऐसे लोगों की लाइफ भी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें किसी ना किसी तरह की कोई समस्याएं हैं। वो समस्या अलग अलग तरह की हो सकती है, किसी की शारीरिक समस्या हो सकती है, किसी को जॉब दिलाने की समस्या हो सकती है, इस तरह की समस्या पे हम काम कर रहे हैं। तो आज उसी समस्या में से एक समस्या है जहां पे हम जाएंगे व्हील चेयर देने। जी हाँ, आपने सही सुना, आज हम किसी की लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेने जा रहे हैं, चेंज करने जा रहे हैं। भैया हैं एक जिन्होंने हमें व्हील चेयर स्पॉन्सर कराया है, और हमने स्काउटिंग के थ्रू एक ऐसे व्यक्ति की ढूंढा है जिसे सच में उस व्हील चेयर की नीड है। जब इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूंगा और आपको दिखाऊंगा तो आपको भी समझ में आएगा कि उस व्हील चेयर से उस इंसान की जिंदगी कितनी बदल जाती है। यहाँ से हम जाएंगे एक आश्रम जिसका नाम है कुष्ठ आश्रम, जो इलाहाबाद के करैलाबाद क्षेत्र में है, जो मेरे घर से अराउंड 6-7 किलोमीटर की रेंज में है। ऑलरेडी हमारी टीम वहाँ पे पहुंच चुकी है, स्पॉन्सर से मेरी बात हो गई है, वो भी वहाँ पहुंच चुके हैं व्हील चेयर के साथ। तो हमें हमारी टीम को उनको और उस इंसान को कनेक्ट करना है, व्हील चेयर उनके हाथ से दिलवाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इमोशनल भी होने वाली है और बहुत ही केयरिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और आप सच में मैं बता नहीं सकता हूँ कि आपको कैसा फील होगा इस वीडियो के लास्ट में, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आरएचए को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मैंने दे दिए हैं, सिटी रिप्रेजेंटेटिव का नंबर दे दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने शहर में आरएचए को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपसे हो वो मदद कर सकते हैं, मिशन 75 का हिस्सा बन सकते हैं, आरएचए के वॉलंटियर बन सकते हैं। तो देर नहीं करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, अभी मैं अपने घर पे हूँ, घर से निकलूंगा, आश्रम चलते हैं, और वहां पे आपको लाइफ में दिखाता हूँ कि किस तरह लाइफ चेंज होती है, किस तरह एक इंसान की जिंदगी में चेंज आता है। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो देर किस बात की, चलते हैं आश्रम। दोस्तों देखिए, हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे कुष्ठ आश्रम। मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखिए, और अब इसके अंदर जा रहे हैं हम, और हमारी टीम ऑलरेडी पहुंच चुकी है। ये है हमारे टीम के मेंबर्स। हेलो आस्था जी, हेलो अंशिका, चलते हैं देखते हैं कहाँ जाना है। और ये हैं रॉबिन आयुषी, जो गाड़ी से मुझे लेके आई हैं। ये देखिए करैलाबाद के, ये यहाँ से जमुना जी का व्यू इस तरह दिख रहा है, और हम एकदम लास्ट में हैं कुष्ठ आश्रम में, एंट्री जैसे ली और ये लास्ट पॉइंट है। चलिए अपने साथियों से पूछते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है, जानते हैं आयुषी कैसा लग रहा है आपको। अभी हम कुष्ठ आश्रम में आई हैं, अब देखते हैं, पहले हम उनसे मिलेंगे तो हमें पता चलेगा कि उन्हें किस चीज की नीड है, फिर हम उन्हें वही चीज प्रोवाइड कराएंगे, और ये सारी चीजें करके जो मन को सुकून मिलता है। गाइस प्लीज आप सब भी ज्वाइन करिए और ऐसा कुछ करिए ताकि आप लोग को भी पता चले जो सुकून आज हमें मिल रहा है वो शायद आपको भी फील हो। तो गाइस प्लीज,
थैंक यू आयुषी। एंड अब रॉबिन अंशिका हैं, थोड़ा सा नर्वस हैं दोस्तों, तो चलिए इनको कंफर्टेबल फील कराते हैं। अंशिका, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे ड्राइव करके? अभी तो हमने ड्राइव स्टार्ट नहीं करी है, अभी हम अपने मेंबर्स का वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर लोग जाके सबसे पहले लोगों से मिलेंगे और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे। और आज हम बैसाखी लेकर आए यहाँ पे, तो एक लोगों को हम बैसाखी भी प्रोवाइड करेंगे। तो हेलो अमन भाई, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? हाय हाय हाय, दिस इज रॉबिन अमन कुमार फ्रॉम आईआईटी प्रयागराज। और वी आर करेंटली एट करेलाबाग कुष्ठ आश्रम। और ये जो कुष्ठ आश्रम, लगभग 60-70 लोगों को यहाँ पे कुष्ठ रोगी रह रहे हैं। और लगातार जो भी हमारे सरप्लस हो या फिर वीकेंड्स ड्राइव होते हैं, उसमें जो भी आरएचसी की टीम है प्रयागराज की, वो लगातार जो होते हैं यहाँ पे आके खाना वगैरह बांटते रहते हैं। तो इसी दौरान मिशन आया हुआ है, उसका हम जश्न मना रहे हैं। और आज वैसे भी 3 अगस्त हो चुका है, और इसी जश्न को मनाते हुए आज हम लोग आ चुके हैं करेलाबाग आश्रम, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक व्हील चेयर तो दिया था इन लोगों को पूरे कुष्ठ रोगी के लिए, क्योंकि इनका जो जहाँ ये रह रहे उसे थोड़ा दूरी हटके इनका वॉशरूम वगैरह, तो जाने में थोड़ी कठिनाइयाँ होती थी। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे आते आने के बाद पता चला कि 2 ऐसे लोग हैं जिनको वैशाखी भी चाहिए, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना आकर के इन लोगों को वैशाखी भी दिया जाए, और इस जो आइडिया हम लोगों का उसको अच्छे से और अच्छे से सेलिब्रेट किया जाए। तो आज हमारी टीम जो है पूरी आरएचसी प्रयागराज की, वो आ चुकी है करेलाबाग कुष्ठ आश्रम। और आज जो मिशन 75 के तहत हम जा रहे हैं, जो भी 2 लोग हैं जो वैशाखी के नीड है जिनको, उनको वैशाखी देने के लिए। तो आइए जुड़िए साथ, आइए आइए एक नई इंडिया की फॉर्मेशन करते हैं, एक नए जरूरतमंदों की एक ऐसी टीम तैयार की जाए रॉबिनहुड आर्मी के तहत, जहाँ पे किसी भी लोग के जो होते हैं ना भूख की वजह से, ना उन्हें सोना पड़े ना उनकी जान जाए। और साथ जैसे भी इस बार आ चुकी है 75 लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है, तो इसकी तैयारी पहली जो शुरुआत थी, बट एक इस बार जो है मिशन के तहत इसमें और जोर लगा के काम हम रॉबिन्स कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। #mission75 जय हिंद। तो आपने सुना अमन भाई को, थैंक यू अमन भाई, आपने बहुत अच्छा बताया मिशन 75 आरएचए के बारे में। तो मुझे नहीं पता था कि इससे पहले भी यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि मैं उस समय अवेलेबल नहीं था, तो वो ब्लॉग तो मिस हो गया। बट दोस्तों, आज का ब्लॉग मिस मत करिएगा। आज जैसा कि अमन भाई ने बताया कि हम बैसाखी देने वाले हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है। स्पॉन्सर आ चुके हैं, रॉबिन्स आ चुके हैं, तो एक्साइटमेंट का लेवल हाई है। मैं आपको थोड़ा सा आश्रम के अंदर दिखाता हूँ। ये देखिए किचन है ये आश्रम का, और अगर मैं इधर आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे बने हुए हैं लोगों के घर। अगर मैं इधर दिखाऊं आपको, देखिए लोगों के घर बने हुए हैं छोटे छोटे, और उधर भी थोड़ा सा आश्रम के अंदर तक जाना, मतलब वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने प्रधान जी से, यहाँ के जो प्रधान होते हैं, उनसे परमिशन लिया हुआ है, और आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अगर आप भी इस तरह के कुछ सोशल वर्क करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए बैसाखी आ चुकी है, 2 बैसाखी है आज, और ये बैसाखी दी जाएगी, और इससे एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, जैसा कि रॉबिन अमन ने डिटेल में बताया, क्योंकि रॉबिन अमन बहुत एक्टिव हैं इन सब कामों में। 2 बड़ी बैसाखी है और 1 छोटी, तो ये 3 दी जाएगी, और बहुत अच्छा फील होगा जिन्हें दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं, अब दूसरी बैसाखी देंगे। दूसरी बैसाखी देखिए, रॉबिन्स पहुंच चुके हैं, स्पॉन्सर्स पहुंच चुके हैं। We'll be right back.
आज के इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। आपने देखा कितना अच्छा मोमेंट था बैसाखी देना, और वो सारी चीजें बहुत अच्छा मोमेंट लगता है, बहुत प्राउड फील होता है जब कोई आपकी वजह से कोई मुस्कुराता है। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे, आज का ब्लॉग बस इतना ही था। आरएचए से साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मेंशन है। इसी तरह आप भी अपने शहर में कुछ चेंज ला सकते हैं, हम और आप मिलके ही समाज को बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। तो कुछ सोचिए, आरएचए से जुड़िए, हमारे मिशन 75 से जुड़िए और समाज के हित में कुछ काम करिए। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों और फैमिली साथ, जिससे वो भी समाज के हित में कुछ काम कर सकें। तो फिर जल्दी मुलाकात होगी, बहुत जल्द मुलाकात होगी, लगातार ब्लॉग आने वाले हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद जय भारत।